क्रिस्टियन बर्नार्ड ऐसे पहले डॉक्टर थे जिन्होंने 3 दिसंबर 1967 को पहली बार डेनिस डॉर्वेल के हार्ट को लुइस वॉस्केंसी के सीने में सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया, लेकिन पेशेंट लुइस केवल 18 दिनों तक ही जिंदा रह सके। जिसके ठीक एक साल बाद क्रिस्टियन बर्नार्ड ने एक और सक्सेसफुली हार्ट ट्रांसप्लांट किया, जिसमें मरीज फिलिप ब्लैकबर्ग 1.5 साल तक जिंदा रहे।